पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। इंसान के जीवन में भटकाव बड़ा है अर्चना जी। हाँ? और कभी कभी भटकाव के फायदे भी होते हैं, जैसे वास्को डी गामा भटक गया था तो उसने भारत की खोज कर ली। हालांकि हाँ? हमारे यहाँ जीवन चल रहा था। हाँ? उसको लगा कि उसने खोज की। हाँ? जैसे हमारे ये पांडे जी हैं, ड्रम पे बैठे हैं। हाँ? ये पहले पुलिस में जाना चाहते थे लेकिन भटक गए, अब ये ड्रम पे डंडे चला रहे हैं। अच्छा, लोग गुमराह ना हो इसलिए गवर्नमेंट को मैसेज भेजने पड़ते हैं कि सतर्क रहें और अनजान आदमी से ओटीपी शेयर ना करें। फिर भी लोग धोखा खा जाते हैं। एक बार हमारे गोपाल है ना जो कीबोर्ड पे, इन्होंने किसी से अपना ओटीपी शेयर कर दिया, इसके अकाउंट से 20,000 निकल गए। इसने कंप्लेंट की, उधर से फोन आया कि किस अकाउंट से कट गए, मोबाइल नंबर यही है, इसके ऊपर एक ओटीपी आया होगा, शेयर करें। इसने शेयर किया, इसने शेयर किया, उन्होंने कहा आज के बाद आपके अकाउंट से कभी पैसे नहीं कटेंगे क्योंकि बाकी जो 3,000 बचा था वो भी लेके। सतर्क रहना बड़ा जरूरी है और सतर्क रहना उस आदमी से सीखना चाहिए जो बिना कुंडी वाले बाथरूम में बैठा होता है। वो इंसान इतना सतर्क होता है कि जैसे बाहर से किसी की पैरों की आवाज आए ना, वो अंदर से शुरू होता सतर्क रहना पड़ता है। अच्छा, सतर्क वो आदमी बड़ा होता है जो बस में 20 रुपए की टिकट लेने के लिए ना कंडक्टर को 500 देता है और फिर 500 उसको 480 रुपए छोटे देने के बजाय उसकी टिकट पे लिख लेता है कि 480 बाद में दे दूंगा। वो फिर पूरी बस में ना बैठा रहता है, हर स्टॉप पे देखता है वो सवारियां तो उतर रही, कहीं कंडक्टर ना उतर जाए। हाँ, ये अपना दिनेश है ना, ये तो गाना बना लेता ताकि भूल ना जाए। हाँ? मुझे 480 लेने हैं, मुझे 480 लेने हैं। सैलून वाले जो होते हैं ना, कटिंग करते हैं, ये बड़ा गुमराह करते हैं लोगों को। बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स की फोटो लगा देते हैं, लोगों को लगता है शायद हमारे बाल भी ऐसे काटेंगे। ये दिनेश चला गया उसकी दुकान पे एक दिन, बोलता हॉलीवुड स्टाइल में बाल काट दो, कहता चल बे चल। तो कहता देखिए आपके ऊपर जमेगा नहीं ये स्टाइल। तो बोलता कोई ऋतिक रोशन स्टाइल काट दो, वो कहता देखिए सैलून में 10 शीशे लगे हुए हैं, आप अपने आप को चारों तरफ से देखें कि आप ऋतिक रोशन लगते हो। ये माने ही ना, उन्होंने फिर ऋतिक वाले स्टेप से ही बाहर निकाला, कहते चल बाहर। अच्छा, डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, ये बड़ा गुमराह करते हैं, ये नाम भी मिलता जुलता रखते हैं। दिनेश की बात है, आज तो दिनेश के पीछे पड़ा हुआ है। इसने स्टेशन पे नाचोस खरीदे, उसने माचोस दे दिए इसको, क्योंकि वो स्पेलिंग ऐसे होते ना। हाँ। आदमी के दिमाग में ओरिजिनल स्पेलिंग बैठे होते हैं और जिसको तो वैसे ओरिजिनल नहीं आते उसको तो वो तो पकड़ा भी नहीं जाता। और आज मैं गुमराह होने की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इस नाम से एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आ रही है और उसकी स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। आदित्य मृणाल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया। आप भी। ओह थैंक्स ब्रो। आदित्य से मैं जब भी मिलता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है देख के, मतलब आदित्य रॉय कपूर ऐसे इंसान के मुंह से आप कभी भी ऐसी बात नहीं सुन सकते कि अरे भाई मेरी बस मिस हो गई। ये अमीर इतने लगते हैं, मुझे लगता है अपने चार्टर पे ही आते होंगे, वो तो फिल्म सिटी में उतरता नहीं है तो इसलिए गाड़ी में आते हैं। देखो ना सर, अभी मैंने मैनेजर का रोल किया है। बड़ा कमाल का किया ब्रो, बहुत। मैंने पूरी सीरीज देखी है। थैंक यू। उसमें इनके काम की बड़ी तारीफ हो रही है, खाली एक ही जो बात खलती है सर दर्शकों को कि इतना हैंडसम आदमी ये मैनेजर की ड्यूटी कर रहा है, सारा रोमांस अनिल कपूर साहब कर रहे हैं। तो आपने डायरेक्टर से बोला नहीं मेरी पिछली फिल्में देखो, मेरे होठों में भी चुंबकीय शक्ति है। नहीं नहीं नहीं, अरे सर पिक्चर अभी बाकी है, एपिसोड 5, 6 और 7 में देखो क्या करता हूं। पर पहले तक तो वो मजे ले गए ना अनिल कपूर साहब। अच्छा, पिछले दिनों इनकी चुंबकीय शक्ति के चलते एयरपोर्ट पे एक महिला जो है वो इनके गले लिपट गई पूरी। हाँ। वो वीडियो अपने डायरेक्टर को जरूर दिखाना था कि आगे वाले एपिसोड में आपका भी रोमांस रखे। पर बहुत कमाल की सीरीज भाई, बहुत बहुत मुबारक। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है। पर अच्छी बात है आपको भी थोड़ी देर के लिए रोमांस से ब्रेक मिला, नहीं तो हर जगह तो आप ही एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इस फिल्म में भी नहीं किया ना मैंने। हाँ, वो तो पुलिस वाली बनी हुई ना मृणाल, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, पुलिस की वर्दी में देख के तो आदमी का रोमांस थोड़ी निकलता है, बंदा तो वैसे घबराया रहता है। अच्छा, मृणाल जो है इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही है और आदित्य जो है इनको गुमराह कर रहे हैं। हालांकि आपको जब हम देखते हैं जी, उफ, आपकी मतलब खूबसूरती है, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। आप चाहें तो किसी को भी गुमराह कर दें, मेरे को तो ऐसा लगता है आप किसी कैशियर को 1,000 रुपया दें कि मुझे 100-100 के 10 दे दे, वो गलती से आपको 2 नोट ज्यादा दे देता होगा। कभी ऐसा हुआ कैशियर ने 2 नोट आपको ज्यादा दे दिए हो? पानीपुरी वाले से तो 2 गोलगप्पे एक्स्ट्रा लिए होंगे आपने।
वो तो बनता ही है. वो तो बनता है. वो तो प्लीज बोल दो तो काम हो जाता है. ओए होए बा लड़कियां प्लीज बोलते तो पता नहीं कहां से निकाल के दे देते. हम बोलते प्लीज कहते खत्म हो गया खत्म हो गया. ये तो दो पानी पूरी खाती 10 फ्री में लेती बाद में. अरे आप पहली बार फिल्म में डबल रोल कर रहे हैं. हाँ. तो आपने प्रोड्यूसर से कहा नहीं कि दो आदमी का काम मैं कर रहा हूँ, चलो पैसे डबल ना सही. वो ही ना, हीरोइन तो डबल दे दो. एक हीरोइन है वो भी पुलिस वाली वर्दी में. नहीं पर है ना, एक और हीरोइन भी है फिल्म में. अच्छा. तो मैंने पैसे का ट्राई किया पर ना बोला उसने. अच्छा. और आपने किया भी बहुत कमाल का, जितना ट्रेलर में हमने देखा है. एक थोड़ा भोला भाला है, दूसरा एकदम सटापोरी टाइप है, वाकड़ा है थोड़ा. हाँ क्या है वाकड़ा टेढ़ा. मृणाल आपने भी पहली बार शायद एक ऑफिसर का रोल निभाया आपने, तो आपको खुशी थी इस बात की कि चैलेंजिंग कुछ करने को मिला है, या इस बात का दुख था कि एक ही ड्रेस में सारी फिल्म करनी पड़ेगी? इन लड़कियों को होता है ना कि फिल्म में अलग, सीन में अलग, गाने में अलग अलग. क्या क्या चल रहा था आपके दिमाग में? दोनों चीजें इनफैक्ट. बट कपिल ऑनेस्टली अच्छा लगा जब यू नो वर्दी पहनो. यू नो वर्दी पहनने के बाद आपको जो यू फील वेरी पावरफुल एक्चुअली. और पहली बार मैं जॉब पर हूँ. मैं earlier I played daughter, I played lover या wife, but यहाँ पर ये जो हमें गुमराह कर रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे भाग रही हूँ और आपको सब पता चलेगा. पर एक दिन वर्दी पहन के घूमने गए थे हम लोग. हाँ, oh my god. So दीपक कालरा got a new car और हमें celebrate तो करना है. तो 2:30 बजे हमारा shot कुछ वक्त ले रहा था. They were doing some lighting. तो हमने कहा चलो ड्राइव पे निकलते हैं. सो आदि सैट, दीपक सैट और मैं तो यूनिफॉर्म में थी. ड्राइव कर रही थी. मैंने कहा चलो ड्राइव, क्योंकि मुझे ड्राइव करने का बहुत शौक है. इनफैक्ट ऐसा हुआ कि काफी सिग्नल्स थे और मैं ओबीडियंट चाइल्ड रुक गई एंड देयर अदर कार्स पासिंग एंड दीस गाइस आर जस्ट लुकिंग एट मी कि चलो यार मुना 2:30 बज रहे हैं. एंड इज लाइक मृणो यू आर तो वेयरिंग अ कॉप यूनिफॉर्म, जस्ट ब्रेक ऑल द रूल्स. आई सेड आई कांट डू दैट. बट मजा आया. वाओ वेरी नाइस. ऐसी पुलिस वाली हो ना तो अपराधी खुद फोन करके उठा लो मैडम हम यहाँ बैठे हैं. आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बुलाते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को, मेहमानों को. प्लीज वेलकम म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर मिथुन जी, सिंगर विशाल मिश्रा एंड दीपक कलरा. दोस्तों आप सब इनको बाखूबी जानते हैं. मिथुन जी हैं जिन्होंने आते ही धमाल मचा दिया था आज की टू. इनका बड़ा पुराना संबंध है. और मिश्रा जी हमारे कितने कमाल के सिंगर हैं और दीपक कालरा जी ये इतने कमाल के एक्टर हैं. और अगर आपको कहीं लगे कि आपके ऊपर कोई ऊपरी छाया है तो ये टूने टोटके भी खत्म कर देते हैं. दीपक एक बात बताइए, जैसे आम इंसान पैदा होते हैं, आप भी पैदा हुए थे कि चिराग से निकले थे? ये तो मम्मी को पूछना पड़ता है, मैं तो हुआ था. नहीं नहीं बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो आप, मजेदार है. बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का. जोरदार तालियां हो जाए. मिथुन भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी शादी के लिए. अरे हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही कमाल की सिंगर है, बहुत ही प्यारी है, पलक मुच्छल उनके साथ इन्होंने शादी की है. बहुत बहुत मुबारक. मिथुन आपको कब लगा कि सिंगल बहुत हो गया, आप ड्यूएट होना चाहिए कुछ? नहीं मैं बचपन से ही मतलब शादी की बहुत कदर करता हूँ, मुझे लगता है बहुत जरूरी है लाइफ में. बचपन से शादी करना चाहते हैं? आई डोंट नो, मतलब मैं मेरी मतलब बचपन से ही मेरी पैदाइश और मेरी जो परवरिश ऐसी हुई है कि शादी जो है वो जिंदगी का सबसे बड़ा जो मकाम है वो विवाह है. वाह मिथुन जी. मेरे फुल भी मार्क्स. फुल मार्क्स. मेरे भी हालात सेम ही रहे हैं. मैं भी जब पैदा हुआ मेरे आसपास मम्मी पापा थे, तो मुझे लगा मैं जब मुझे बड़ा होके पापा तो बनूंगा ही जरूर. तो मुझे कभी कभी लगता है मिथुन कहीं गुजरात से तो नहीं, क्योंकि देखो ये लिरिसिस्ट भी है, कंपोजर भी है, सिंगर भी है. हो सकता है इन्होंने सोचा हो कि शादी कर लेता हूँ, फीमेल सिंगर भी घर की हो जाएगी. जोक से बाट बहुत बहुत मुबारक आपको. आपकी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी, हमने तस्वीरें देखी. विशाल जी ने जो है नाचो नाचो सॉन्ग गाया है, नाटो नाटो, आप सबको सबको बताया, जिसको अभी ऑस्कर भी मिला है. तो उसका जो हिंदी वर्जन है वो विशाल ने गाया है और बड़ा ही कमाल का गाया है. विशाल जब आपके पास ये ऑफर आया कि नाचो नाचो, तो आपने पूछा नहीं कि इसको गाना है कि खाना है, मतलब क्या है नाचो? नहीं नहीं जोक सपाट में, आप सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको. बहुत बहुत शुक्रिया. और ये गाना गाते हुए आपको लगा था कि एक नाटो नाटो के वर्जन को ऑस्कर मिलेगा और स्वयं कपिल शर्मा आपको मुबारकबाद देंगे? नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि कपिल शर्मा के शो पे स्वयं कपिल शर्मा इसको मुबारकबाद दे रहे हैं. ये बहुत ही कमाल का प्रोसेस था पाजी. राजामौली सर इतने क्लियर हैं. मैं सुबह से 3 वर्जन गा चुका था इस फिल्म में. एक और गाना है शोले, जो कि इतरा झंडा बना तेलुगु में और कोले बना तमिल में.
मैं जाने लगा, दो घंटे बाद फ्लाइट थी, तो किरवानी सर ने बड़े प्यार से बोला कि विल यू सिंग वन सॉन्ग, यू एनिमेट द सॉन्ग, दैट्स हाउ ही स्पीक्स. एंड फिर उन्होंने गाना बजाया, इट वॉज फुल ऑफ एनर्जी, 15-16 मिनट में रिकॉर्ड हो गया. एंड I couldn't believe कि इतना ज़्यादा फेमस हो गया. I think we should all congratulate किरवानी और राजमौली सर. दीपक कालरा साहब के बारे में आपको बताऊं, ये इस फिल्म में एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा ये रैपर भी हैं, ये डांस भी करते हैं, फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं, लेडीज सूटों में कढ़ाई का काम भी मैंने सुना कर लेते हैं. गोटा गोटा लगाता हूं. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.